दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतार, जन की पैज रखी करतार, जन की पैज रखी करतार, जन की पैज रखी करतार। बादशाह सा सब बस कर दीने, बादशाह सा सब बस कर दीने, बादशाह सा सब बस कर दीने, बादशाह सा सब बस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव होए भजो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जानी, शरण परे प्रभ अंतर जानी, शरण परे प्रभ अंतर जानी, शरण परे प्रभ अंतर जानी। नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। थिर घर बैसो हरजन प्यारे, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, थिर घर बैसो हरजन प्यारे। सतगुर तुम रे काज सवारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, सतगुर तुम रे काज सवारे। Thank you.
बसंत चढ़या फूली बनराए, 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 बसंत चढ़या फूली बनराए। एह जी जंत फूले हर चित लाए, एह जी जंत फूले हर चित लाए, बसंत चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या, बसंत चढ़या, बसंत बसंत चढ़या, बसंत चढ़या, बसंत 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 चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, बसंत चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, इन बिद एहो मन हरिया होए, इन बिद एहो मन हरिया होए, इन बिद एहो मन हरिया होए, हर हर नाम जपै दिन राती, हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख गुरमुख में कटे तो, बसंत चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, एह जी जंत फूले हर चित लाए, एह जी जंत फूले हर चित लाए, बसंत चढ़ बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, बसंत चढ़या फूली बनराए, सतगुर बाणी शब्द सुनाए, सतगुर बाणी शब्द सुनाए, सतगुर
सत सतगुर बाणी शब्द सुनाए सतगुर बाणी सतगुर बाणी सत सतगुर बाणी शब्द सुनाए शब्द सुनाए सतगुर सतगुर बाणी सतगुर बाणी शब्द सुनाए सतगुर बाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सतगुर बाए एहो जग हरिया सतगुर बाए बसंत चढ़िया भोली बन राए बसंत चढ़िया भोली बन राए हर चित्र लाए जलत फूले हर चित्र लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए फल फूल लागे जा आपे लाए फल फूल लागे जा लाए फल फूल लागे जा फल फूल लागे जापे लाए जापे लाए फल फूल लागे जापे लाए बसंत चढ़िया भोली बन राए बसंत चढ़िया भोली बन राए बसंत चढ़िया भोली बन राए जंत फूले हर चित राए जंत फूले हर चित राए बसंत बन राए बसंत चढ़िया भोली बन राए बसंत चढ़िया भोली बन राए आप बसंत
जगत सब वाणी आप बसंत आप बसंत आप बसंत आप बसंत जगत जगत सब वाणी आप बसंत आप बसंत जी आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब वाणी नानक पूरे भाग भगत निराली नानक पूरे भाग भगत निराली बसंत चढ़िया भूमि बन राय बसंत चढ़िया भूमि बन राय जी चंद फूले हर चित्राए जी चंद फूले हर चित्राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत आप बसंत जगत जगत सब वाणी आप बसंत आप बसंत जगत सब वाणी जगत सब आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब आप बसंत आप संत जगत सब नानक पूरे भाव भगत निराली नानक पूरे भाव भगत निराली बसंत चढ़िया भूली बन राय बसंत चढ़िया भूली बन राय जंत भूले हर चित लाए जंत भूले हर चित लाए बसंत चढ़िया भूली बन राय संत चढ़िया संत चढ़िया संत चढ़िया भूली बन बन रहा हर हर नंद पंतया
कछ ना कहे जनका नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल हर का नाम ध्याय गए हो हरिया भाई संत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो रहा पाए कर्म लखन ते पाए रत सुहाय वर्ण त्रिण त्रिण पमलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजै लथे सब छाय नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताए काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए हमें नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव जबले महाबली कर जे बद महाबली करस चाटोआ अपने चण जपाल विच दखणोआ रोग सोग सब मिट गैल तनवाल रवा दिन रैण नाम त्यादा फिर पाए नामुआ जिस ते पजाला लका सोए फिर होआ अमृत रस हर कीर्तन को बिरला पीवे को बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तन को बिरला पीवे को बिरला पीवे ओ 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 बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे 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 अमृत रस हर कीर्तन
जाका ठाकुर तू ही प्रभता के वड भागा ताके वड भागा जाका ठाकुर तू ही प्रभता के वड भागा ताके वड भागा ओहो सुहेला सद सुखी सब ब्रह्म पौ पागा सब ब्रह्म पौ पागा ओहो सुहेला सद सुखी सब ब्रह्म पौ पागा सब ब्रह्म पौ पागा ओ बिरला अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा मेरा पारा हम चाकर गोविंद के ठाकुर ठाकुर मेरा मेरा पारा हम चाकुर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा कर्म करावन सगुल विद सो सतगुरु हमारा सो सतगुरु हमारा कर्म करावन सगुन विद सो सतगुरु हमारा सो सतगुरु हमारा ओ बिरला पीवे 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 रस हर कीर्तनो ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तनो ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला
अमृत रस हर कीर्तनो ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे। हर कीर्तन ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, मन माहे निधाना। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, मन माहे। जाको तुम कृपाल भए सेवक से परवाना, सेवक से परवाना। जाको तुम कृपाल भए सेवक से परवाना, सेवक से परवाना। ओ बिरला पीवे, 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 ओ बिरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे, ओ बिरला। रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे, ओ बिरला पीवे।
अमृत रस हारु कीर्तनो कोविल लाती रे कोविल लाती रे अमृत रस हारु कीर्तनो कोविल लाती रे कोविल लाती रे वजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे वजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे वजहो वजहो नानक मिले एक नाम एक नाम रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे अमृत रस हर कीर्तनो कोविल लाती रे कोविल लाती रे अमृत रस हर कीर्तनो कोविल लाती रे कोविल लाती रे वजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे वजहो हर कीर्तन ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तन ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला रस हर कीर्तनो ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे अमृत रस हर कीर्तनो ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे ओ बिरला पीवे हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग
मनु दास कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग द्वादशी दान नाम स्नान द्वादशी दान नाम स्नान हर की भक्ति करो तजमान 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 हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग कोमल बाणी सब को संतोखे कोमल बाणी सब को संतोखे पंच भुआत्मा हर नाम रस पोखे पंच भुआत्मा हर नाम रस पोखे गुरपुरे ते एने चौपाइए गुरपुरे ते एने चौपाइए नानक राम रमत फिर जोन नाइए जी नानक राम रमत फिर जोन नाइए फिर जोन नाइए फिर जोन नाइए हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध हर अमृत पान करो साध संग करो साध संग करो साध
ना भगवान कच नानक लाल लाल है सच्चे रत्ता सच कितों के करे के मैं समावे सब खसम कै कौन कीमत पावे कह कन सुनत से भगत सुहावे अगम गोचर सहगो दूसर लवे न लवे सच पूरे गुरप दे सया नानक सुनावे सलो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलें सगल जगत चंगे आईया बुरियाईया वाचै धर्म दूर करमियां पो आपनी किनी रह के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत कहार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सिपाही हरि सिंह जी खजूरी रागी जत्थे दा सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शन आप सब संगतां दे चरणां च बेनती है 26 तरीक नूं गुरद्वारा साहिब विखे अमृत संचार होवेगा अमृत संचार दा जो समा है उह शाम 4 वजे दा है जिन्हां संगतां ने हजे तक अमृत दी दात नहीं चकी पीवो पाहुल खंड धार होए जन्म सुहेला वो अमृत दी दात छक के अपने जीवन नूं सुहेला करिए गुरु वाले बन के जीविए जिन्हां ने अमृत की दात छकनी है वह गुरद्वारा साहब के राशन स्टोर विखे अज ही अपना नाम दर्ज जरूर कराउण जी अते 26 तरीक नूं शाम 4 बजे आप जी ने गुरद्वारा साहब विखे पहुँचना है ककार संगतां नूं भेटा रह दिते जाणगे सो अमृत संचार के संबंध के नेता प्रति दीवान सज रहे हैं ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ आप जी ने अगले समय दे सरवण कराउणगे बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना के नाल बैठ के सरवण करिए उपरंत 9 बजे तो लैके 10 बजे तक भाई सिमरप्रीत सिंह जी बीबी कौलां वाले आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सरवण कराउणगे जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਲ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ सो अमृत गुर पाही जियो
छोड़ो वेस पेख चतुराई दुबिदा एह फल नाही जियो छोड़ो वेस पेख चतुराई दुबिदा एह फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बादशाह दरवेश जुगो हो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक गोद अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के लाडले साहबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी के पावन गुरु घर संध्या वेले के दीवाना विच अदब सत्कार विच जुड़ करके गुरु के कीर्तनिया पासों साहिबान की पवित्र बाणी का कीर्तन बड़े वफद प्यार विच भेज के श्रवण किया है। समा है उचीचे तौर पर उलीके गए कथा दे दीवान का। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे खंडे बाटे दे अमृत की वडियाई नू इतिहास विचों साहिबां दी पवित्र बाणी विचों आप संगत नाल सांझ करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आओ लवो सतगुरु दे चरणा दा ओट आसरा साहिबां दी वडियाई श्रवण करके आपो अपने जीवन विच कुछ तब्दीली लिया सकीए क्योंकि दुध हलवाई दे कोल पहुँचदा है दुध ते हलवाई की कला वरतदी है फिर दुध दुध नहीं रहिंदा बर्फी बन के तैयार हो जाती लोहा किसी इंजीनियर दे कोल पहुँचदा है लोहे ते किसी की कला वरतदी है फिर लोहा लोहा नहीं रहिंदा कार बन के तैयार हो जाती रूह कॉटन किसी कोल पहुँचदा है रूह ते किसी की कला वरतदी है फिर रूह रूह नहीं रहिंदा कपड़ा बन के तैयार हो जाता है मिट्टी कुम्हार कोल पहुँचती है मिट्टी ते कुम्हार की कला वरतदी है फिर मिट्टी मिट्टी नहीं रहिंदी कड़ा बन के तैयार हो जाता है दुध ते किसी की कला वरती ते बर्फी बन गई लोहे ते किसी की कला वरती ते कार बन गई कपड़े ते किसी की कला रूह ते किसी की कला वरती ते कपड़ा बन गया मिट्टी ते किसे दी कला वरती ते घड़ा बन गया वो कलगीधर पातशाह दे दर ते अंदरों झुक के नमस्कार करी सिखा जे गुरु गोबिंद सिंह दी अज तेरे ते कला वरती घरों सिख बन के आया सी ते गुरु घरों गुरसिख बन के घर चला जाएगा। कला वरतदी है तब्दीली आउंदी है आओ गुरु के बचना नाल आपो अपने जीवन च कुछ तब्दीली लिया सकीए विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु दे चरणा च लवावो हाजरी बादब चुकाओ गुरु चरणा च सीस फतेह परवानो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दुनिया दे विच हर धर्म दे आपो अपने असूल ने उन्हां असूलां ते चलण वाला इंसान धर्मी पर बंदे नू इउं प्रतीत हुंदा है कि धर्म के असूल जे मैं अपने जीवन से एक्सैप्ट करांगा तो मैं बंधना च पै जावांगा तो मैं इस बंधन वाली जिंदगी नू जीना नहीं चाहुंदा इस करके बंदा धर्म तो दूर जांदा है फिर वो अमृत तो भी दूर जांदा है क्योंकि उन्हूं धर्म के नियम बंधन जापदे। पर कदे सोच के देखो बच्चा छोटा सी ते छोटे बच्चे लई उहदे मां बाप उहदे वास्ते बंधन ने उन्हें यतन किया भी इस बंधन चो निकला वो मां बाप के घरों निकलिया तो स्कूले चला गया हुण उत्थे टीचरां दे बंधन विच पै गया फिर टीचरां दे बंधन चो बारहवीं पास करके निकलिया सोचदा शायद हुण आजाद हुण कॉलेज दा बंधन पै गया फिर कॉलेज दे बंधन तो निकलिया तो यूनीवर्सिटी दा बंधन पै गया सोचदा भी हुण यूनीवर्सिटी चो निकलां मैं आजाद होवांगा पर आजादी कित्थे बंधन मरदे दम तक बंधन दा बंदे दा साथ नहीं छड्डदे कॉलेज चो निकलिया हुण जदों दैत शुरू होई नौकरी
फिर नौकरी के बंधन में बजिया सवेरे 5 बजे उठता है 6 बजे नौकरी लिए दौड़ता है सारी दिहाड़ी एक लत ते खड़ोंदा है शाम को टुटिया हारिया घर आके डिगदा है कहिंदा बंधन तो आजाद होना चाहुंदा सी बंधन फिर गल पैंदे नौकरी लग गई पढ़ लिख गया सोचता है हुण आजाद होवां बंधना तो हुण घर दे कहिंदे ने असी आजाद होइए बंधना तो पुछिया किवें कहण लगे तैनू विआह के एक नवे बंधन च पा के असी आजाद होवांगे माँ प्यो सोचते रहे कि पुत्र नू बंधन च पा के असी आजाद होवांगे ना तो विआह तो बाद पुत आजाद होया ना विआह तो बाद माँ प्यो आजाद होए क्योंकि एक नवा खून का रिश्ता जुड़िया नवा एक परिवार जुड़िया तो बंधन फिर बरकरार का बरकरार रह गया हुण बंधन की बच्चा विआया गया उहदे लई अपना पत्नी के प्रति बंधन है तो पत्नी के लिए पति उहदे जीवन का बंधन है आप जी कहोगे भी विआह एक बंधन किवें सच विच ग्रिस्त जीवन जिम्मेवारियां दा बंधना दा एक घर है जिस बंधन चो बंदे ने ग्रिस्त जीवन जी के अगे निकलना हुंदा फिर बच्चे पैदा हुए उन्हां बंधन दे मोह विच वधिया सारी जिंदगी बंधन कमाउंदा रहा बंधन तो आजाद नहीं होया फिर की होया फिर इहनूं वक्त मिलिया इहने जहाज दा सफर कीता जहाज ते बैठा जहाज उड्डण लगा अलाउंसमेंट होई कि भाई जे साडे जहाज विच बैठ के तू सफर करना चाहे पहला बैठ ला के अपने शरीर नू बंध लै क्योंकि इस बंधन तो बिना जहाज उड़ नहीं सकना जे मंजिल ते पहुंचना चाहना है तो जहाज विच बैठे लई बैल्ट बहुत जरूरी है बंदे ने बड़ी छेती बैल्ट ला ली 8-10 घंटिया का सफर जहाज का बिना बैल्ट तो नहीं हो सकता तो बंदिया फिर 70-80-90 साल की उम्र तू गुरु के 5 ककारा की वर्दी के बंधन तो बिना किवें जी लएगा याद रखी जहाज विच बैल्ट बड़ी छेती लाउना है कादे लई कहिंदा है ये मेरी सेफ्टी है मैं जहाज नू क्रैश होण तो बचावांगा इसलिए बैल्ट मैं छेती लावांगा ते सिक्खा सच जानी जदों 5 ककारी वर्दी दियां बैल्टां तेरे जीवन च होणगियां कलगीधर पातशाह दा खंडे बाटे दा अमृत तेरे कोल होएगा याद रखी सारियां सवारियां बैल्ट लाउंदियां ने ते जहाज अपने सफर ते कदे नहीं डोलदा जदों घर दे मैंबर अमृतधारी हो जांदे ने उह अपना जीवन जींदियां कदे भी नहीं डोलदे जे तू चाहुंदा है जीवन चों डोलना बचे जीवन च क्रैश होना बचे तो फिर कलगीधर पातशाह दा खंडे बाटे दा अमृत अपनी झोली च गुरु कोलों जरूर पवावी ते जदों 5 प्यारे अमृत दी दात बख्श के तैनू खालसा पंथ में शामिल करनगे फिर तैनू एहसास होएगा किस गल दा कि सुर नर मुनजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया गुरु कोलों प्राप्त होया इहदे च कोई दो राय नहीं अमृत दी दात सिखां नूं गुरु कोलों मिली गुरु ने फिर खालसे नूं इस योग बनाया कि तू हुण आप ये अमृत दी दात सानूं प्याल दे हुण असीं कहिंदे आ कि साडा मन साफ है सानू अमृत छकण की की लोड़ है भाई पहली गल तो यह है जे तेरा मन साफ है फिर तू अमृत तो कतराउंदा ही क्यों है जे तेरा मन साफ है फिर तो तेनू खुद गुरु को आना चाहिए कि सतगुरु मैं अंदरों बाहरों इको जिहा हुण कृपा करो मेरे ते तरस करो मेरी झोली अमृत की दात पा दिओ पर तू सारी जिंदगी एक भरम का पर्दा ला के जिंदगी जींदा रहा सिखा किते कलगीधर पातशाह तो पुछ 5 प्यारियां नूं अमृत की दात दे दित्ती उस तो बाद आप धरती ते दोनों गोडे उन्हां 5 प्यारियां दे सामने टिका दिते गोडे टेक के आप कलगीधर पातशाह हाथ जोड़ के उन्हां 5 प्यारियां तो अमृत की दात मंगदे कि तू समझदा है कि गुरु गोबिंद सिंह का मन साफ नहीं सी अपने अंदर स्वयं पड़चूल करके देख हुण सतगुरु की कहिंदे ने 5 प्यारियां नूं लो ध्यान दे के सुनना गुरां आखिया प्यारे गुर खालसा जी गोबिंद राय तो सिंह सजाओ मैनू पाणी बाणी नाल जोए त्यार होया
रब्बी रहमत दा जाम पिलाओ मैनू। गोडे टेक के आप अमृत की दात मंग के कहिंदे ने कि पंजा प्यारियां नू कि अमृत की दात सानू भी बख्शो ते गोबिंद राय तो सिंह सजा दियो। गोबिंद राय तो सिंह सजाओ मैनू, पानी बाणी नाल जोए तैयार होया, रब्बी रहमत दा जाम पिलाओ मैनू। तुसी गुरु ते हुण हां मैं चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तुसी गुरु ते हुण हां मैं चेला, नाल अपने सिंगो रलाओ मैनू। पंथ होया परवान प्यारियां विच, पंथ खालसा सेवक बनाओ मैनू। प्यारे कहण लगे दाता एडा सस्ता नहीं अमृत, असी पंजा ने पंज सिर भेट करके झोली पवाया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जे पंज प्यारियां तो तुसी अमृत मंगते हो, अज जे ये खंडे बाटे का अमृत असी आप जी नू छकावांगे ते सानू अमृत के बदले तुसी की दिओगे। प्यारियां ने सवाल किया ते अग्गे कलगीधर पातशाह का उत्तर सुनना। सतगुरु कहन लगे प्यारियो मंगो बदले अमृत दे, जो कुछ मंगदे हो अज मंग लो, जो कुछ मंगदे हो मैं सब कुछ तुहाडी झोली पावांगा। प्यारियो मंगो बदले अमृत दे, जो कुछ मंगदे हो मैं सब कुछ पंथ दी भेटा चढ़ा देंगा। ओए तुसां पंजां ने पंज सिर भेट कीते, मैं सारा सरबंस लुटा देंगा। तुसां पंजां ने पंज सिर भेट कीते, मैं सारा सरबंस लुटा देंगा, मैनू अमृत की दात बख्श दियो। कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पंजां प्यारियां तो अमृत की दात लई नहीं ली, सब नू पता है लई है। फिर अमृत की दात लैके सतगुरां ने सानू हुक्म की कीता, यही कहा सी ना कि खालसा तू खालसा बन के रही, मेरा रोम रोम तेरा शुकर करया करेगा। अगला बचन किया मैं गुरु नानक अते परमात्मा दी सौं खा के कहना, तू खालसा बन के रही, मेरा रोम रोम तेरा शुकर करया करेगा। या मैं रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साक्षी। ते अगला बचन कलगीधर पातशाह ने की किया, यह मोर आग्या सुनो रे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे सिख आ मेरी आग्या तू मन ले। आग्या की है गुरु गोबिंद सिंह दी, हुक्म की है सतगुरु दा। पातशाह ने कहा बिना केस ते गंग न देवू दिदारे, तेरे शरीर ते केस साबत सूरत ना होए, तेरे तन ते पंज ककारी वर्दी ना होई। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे मैं तैनू अपना दीदार नहीं बख्शांगा। सिखा जे तू कलगीधर पातशाह दा दीदार करना चाहुंदा है ते फिर आ बचन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह देंदे, यह मोर आग्या सुनो रे प्यारे, बिना केस ते गंग ना देवू दिदारे। जे केस ना होए, तन ते तेग पांच ककारी वर्दी ना होई, सतगुरु कहिंदे मैं दिदार नहीं बख्शा। अगला बचन सतगुरु ने थोड़ा होर करड़ा आख्या, पता की गया कहन लगे सिखा तू एक गल दस, तैनू कोई कदे ऐसा बंदा मिलिया जेड़ा कहे कि मैं शेर दा कान पकड़ के शेर तो अपनी मर्जी नाल मत्था टकवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडे तो पुछया सिखा दस कि कोई बंदा तैनू जिंदगी च मिलिया या फिल्मां च कोई तू रोल देखिया कि कोई बंदा शेर दा कान पकड़ के अपनी मर्जी नाल लजांदा होवे। शेर दा कान पकड़ के कोई नहीं लजा सकता,
पर सतगुरु कहिंदे भेड़ां दा कन्न पकड़ के लजांदे तैनूं रोज नज़र आउणगे ते भेड़ां कोलों अपनी मर्जी नाल थां थां ते मत्था टकवाउंदे वी तैनूं नज़र आउणगे। सतगुरु कहिंदे बस इस गल नूं तूं समझ जा कि जे तूं खंडे बाटे दे अमृत दी दात लैके सोहना सिंह सज जाएगा शेर होएगा फिर तेरा कन्न पकड़ के कोई अपनी मर्जी नाल किते मत्था नहीं टकवा सकेगा। फिर तेरा मत्था सिर्फ ते सिर्फ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणा च चुकेगा होर किते नहीं चुक सकता। ते जे तेरे तन ते पांच ककारी वर्दी ना होई ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे फिर मेरिया नज़रां च तू भेड़ दे बराबर है। साहिबां दा वचन लो तवज्जो दे के सुनना। बिना केस ते गंग नरंग भेड़ जानो बिना केसां तो बिना तेग गातरे दी कृपान तो नरंग भेड़ जानो मनुख नूं भेड़ समझना। गहे कान ताको किते लै सिधानो ते भेड़ दा कान पकड़ के जिधर मर्जी लै जाओ भेड़ ने थोड़ी मना करना है। सच विच भेड़ां दियां डारां तुरियां फिरदियां ने। एक भेड़ दा कान पकड़ के अगे अगे तुरिया जांदा है मगरे हजारां दी भीड़ तुरी जांदी है। अगली भेड़ ने जिथे सिर झुकाया बाकी उहदे मगर मगर सिर झुकाईआं जांदीआं ने पर शेर तां किसी की मर्जी नाल सिर नहीं झुकाउंदा। कलगीधर पातशाह कहिंदे सिखा पंज ककारी वर्दी दा धारनी हो खंडे बाटे दे अमृत दी दात लैके खालसा पंथ विच शामिल हो। ते एक गल चेते रखी फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचन कहे बिना केस ते गंग नरंग भेड जानो गहे कान ताको किते लै सिधानो। फिर जदो तू कलगीधर पातशाह दा सिंह सज जाएगा फिर सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब अगे तेरा सिर झुकेगा। जदों तेरे तन ते पंच ककारी वर्दी होएगी ते बाणी दियां पवित्र विचारां होणगियां याद रखी फिल्टर पानी पीण वालिया आरो दा पानी पीण वालिया मिनरल वाटर पीण वालिया पानी ते घर विच रोज फिल्टर दा पीना है पर की गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दियां फिल्टर कीतियां विचारां भी अपने अंदर लियाउणा है कि नहीं। फिल्टर कीता पानी तेरे शरीर लई लाहेवंद होएगा बाणी दियां रब्बी फिल्टर कीतियां विचारां तेरे मन ते तेरे दिमाग नूं सकून देणगियां। फिर चेता रखी रोज सवेरे उठ के अद्धा घंटा पौना घंटा अपना मोबाइल चार्ज ते लाउणा है अद्धा पौना घंटा चार्ज कीता मोबाइल सारी दिहाड़ी तैनूं संसार दीआं गल्लां कराउंदा है। जिदण अमृत दी दात लैके अपने मन नूं सवेरे नितनेम दी बाणी दे चार्जर ते लाएगा ते पता की होएगा जे अद्धा पौना घंटा चार्ज कीता मोबाइल सारी दिहाड़ी संसार दीआं गल्लां कराउंदा है अमृत दी दात लैके जदों सवेरे नितनेम दी बाणी नाल अपने मन नूं चार्ज करेगा इह सारी दिहाड़ी फिर निरंकार दीआं गल्लां करेगा। मोबाइल संसार दीआं गल्लां कराउंदा है मन गुरु की बाणी नाल चार्ज जे सवेरे हो गया ये फिर सारी दिहाड़ी उस निरंकार दीआं बातां कराएगा। जिहदा मन निरंकार दीआं गल्लां करदा होएगा ये गल पक्की है वह बंदा डिप्रैशन विच नहीं जा सकता वह स्ट्रैस विच नहीं जा सकता। कारण गुरु की बाणी ने उन्हें अंदरों धीरज देना भी तू कहीं चिंता रह तेनू रखण वाला तो कर निरंकार है यह संबंध अंदर उस निरंकार परमात्मा वाहिगुरू नाल है। तू डोली ना क्योंकि तू काहे डोलें प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। जो रखण वाला वह निरंकार हो की बंदा डोल सकता है नहीं डोल सकता। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गले अमृत की दात लेके सिंह सजे हाँ सतगुरु तुसी आप कदे नहीं डोलते तो मैं पूर्ण विश्वास है मैं भी डोलन योग। माया आप डोलती है जेड़ा माया का सहारा ले तो कहे भी मैं टिक जावगा जिहड़ी आप डोलदी है तैनूं टिक लैण देगी। आसरा लैणा ते कलगीधर पातशाह दा लई आसरा लैणा ते गुरु ग्रंथ साहिब दा लई सतगुरु आप भी नहीं डोलदे ते तैनूं भी डोलण नहीं देणगे। ओह कहिंदे ना कि एक मजदूर मजदूरी करड़ी करके अपने घर दे जीआं दी पालना पोषणा करदा सी उहने मन च टीचा पैक कीता भी अपने पुत्र नूं पढ़ावांगा होर करड़ी मेहनत करांगा पुत्र पढ़न लग पिया पुत्र साडा पेपर देण लग पिया हुण खर्चा लांदा सी प्यो ने सोचिआ पर पुत्र नूं जज बणा दिया उन्हें मजदूरी करन जाना ते भुख लगनी
कमर का लक नाल खोल के उन्हें ढिड भर लिया कि पेट की भुख तंग ना करे काम करन दी। कमर कसा ढिड ते बन के दुई भुखे पेट करके पुत्र नूं जज बना दिता। अज तक भैया जी कुर्सी ते बैठिया ते प्यो वी पहुंचिया। बाकी कर्मचारियों ने पुत्र नूं जज दी कुर्सी ते बिठाया। पुत्र दा पिता पिछों चैंबर चों आ के पुत्र दे मोढ़िआं ते हथ रख के कहिंदा, पुत्र हद तू जज बणिआ तैनूं बड़ी, पर मैनूं इक गल दस, ईमानदारी नाल दस। पुत्र दे मोढ़िआं ते प्यो वार वार हथ रखदा ते कहिंदा, दस सब तों ताकतवर बंदा कौण, सब तों खुश बंदा कौण ते सब तों खुश नसीब अज कौण। पुत्र बोल के कहिंदा, पिता जी मैं। बापू नूं लग्गिआ भी शायद जल्दबाजी च पुत्र ने जवाब देता है, मैं दोबारा पूछ लवां। प्यो ने मोढ़े तों हथ चुके सिर ते रखिआ, सिर पड़ोस दिआं पुछिआ, पुत्र तू जज बन गया है, सचो सच दस अज सब तों ताकतवर बंदा कौण, सब तों खुश कौण ते खुश नसीब कौण। पुत्र कहिंदा, बापू मैं। प्यो नूं लगा भी सारी जिंदगी मेहनत मैं की, भुखा मैं रहा, कड़ी मेहनत मैं की। प्यो ने पुत्र दे सिर तों हथ चुक लिया, हथ चुक के कहिंदा, पुत्र तैनूं वधाई, तू जज बन गया। कह के पिता पुत्र की कुर्सी दे अगे आया ते उस कमरे चो बाहर निकल लग्या। बाहर गेट कोल खड़ो के पुछदा है पुत्र नूं कि एक वेरा जांदिआं जांदिआं फिर पुछ लवां। जदों तीजी वेरा गेट च खड़े होके पुछिआ, पुत्र सब तों ताकतवर बंदा कौण, सब तों खुश होण ते अज खुश नसीब कौण। पुत्र बोल के कहिंदा, बापू तू। ते पिता ने ना बड़ी छेती कदम पुत्र वल तोरे आ के पुछदा कि बेटा, दो वेरा पहला मैं तेरे कोल ही सवाल पुछिआ भी अज सब तो ज्यादा ताकतवर कौन, खुश कौन ते खुश नसीब कौन। तू दो बार कहा कि बापू मैं। तीजी वेरा जदों तैनू पुछिआ ते तू कहिंदा, बापू तू। कारण की? कहिंदा, पिता जी जदों दो वेरा पहला तुसी पुछिआ सी उदों तुहाडा हथ मेरे मोढ़े ते सी, तुहाडा हथ मेरे सिर ते सी। ते पिता जी जदों बापू दा सिर पुत्र दे, बापू दा हथ पुत्र दे सिर ते होवे, उह पुत्र उदों सच विच सब तो वध ताकतवर हुंदा है, खुश हुंदा है ते खुश नसीब हुंदा है। बापू जदों तेरा हथ मेरे सिर तों चुकिआ गया फिर मैनू एहसास होया, नहीं ताकतवर मेरा बाप है, खुश ते खुश नसीब मेरा पिता है। सिखा जे तेरे सिर ते कलगीधर पातशाह दा हथ होवेगा, सच जानी दुनिया दा सब तो ताकतवर इंसान भी तू होवेगा, खुश ते खुश नसीब भी तू होवेगा। इस तों वड्डी खुशी दुनिया च होर कोई नहीं हो सकदी कि कलगीधर पातशाह तेरे पिता होण ते तू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा पुत्र होवे। जे चाहुंदा है गुरु गोबिंद सिंह नूं अपना पिता बनाउणा ते वेख ते 26 फरवरी नूं कोई समां नहीं रहा। जे चाहुंदा है गुरु गोबिंद सिंह नूं अपनी बांह पकड़वाउणा ते देख गुरु गोबिंद सिंह अज तैयार बैठे ने कि मेरे लाला दे घर आ के बैठे। तैनूं मेरे पुत्र जोरावर सिंह की याद आउंदी है, फतेह सिंह की याद आउंदी कि दौड़ के तू इस पावन स्थान ते आउणा। मेरे पुत्रां वल देख, मेरे तरां वर्गा तू बनना नहीं चाहुंदा। बाकी सब कुछ तैनूं मेरे पुत्रां दे घर तों चाहीदा, पुत्रां दे अस्थान तों गुरु घर तों चाहीदा है, पर घटो घट मेरे पुत्रां वर्ग ते बन जा। मेरे साहिबजादे वर्गा पंज कारी वर्दी का धारनी ते हो। सोच के देखो साल दी उम्र साहिबजादे, अज तुसीं बच्चे नूं कोर्ट विच पेशी ते लैके जाओ ते कि जज दे सामने उदां सवालां दा जवाब दे सकेगा जिवें कचहरी विच छोटे साहिबजादियां ने दित्ता सी। कि इह अमृत दी ताकत नहीं सी? कि इह सतगुरु दे खंडे बाटे ते अमृत दी दादी अंदर दी विल पावर नहीं सी? सिखा चेता रखी, जदों अमृत दी दाद लैके सिख सिखा ना फिर जीवन च तब्दीली आएगी। उह किवें? एक छोटी जी उदाहरण आप जी तवज्जो देना। कहिंदे ने एक गुरमतिया मां दी कुख तों एक बच्चे ने जन्म लेना सी। मां ने गुरु घर आके अरदास कीती, एक सरबलो दा कड़ा बच्ची ने हाथ च पकड़िया, अरदास करके ते घर पहुंची ते अपने सराहणे थले सरबलो दा एक निक्का जिहा कड़ा रख लिया। कादर दी कुदरत, उह सच्ची दी कुख नूं परमात्मा ने भाग लाया, एक बच्चे नूं जन्म दिता। मां उठण बैठण वाली होई, सराहणे थल्यों सरबलो दा कड़ा कढ़ के पुत्र दे सजे हथ दी कलाई च पाउण लगी ते अरदास कीती, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज, गुरु दी याद दवाउण वाला, वहमां भरमां तों बचाउण वाला इह सिक्की दा कड़ा पुत्तर दे हथ दी कलाई विच पाउण लगियां, सतगुरु इह ककार बच्चे दे अंग संग निभ जाए। मां ने अरदास कर दित्ती। समां गुजरिया, पुत्र वड्डा होण लगा, मां ने अपने हत्थी रेबदार कशहरा सीता, कशहरा सी के ते मां जदों दूजा ककार पुत्र दे तन ते पाउण लगी ते फिर अरदास कीती, कलगीधर पातशाह उच्चे आचरण दा प्रतीक, उच्चे करैक्टर ते इखलाक दा प्रतीक एक कशहरा,
पुत्र दे पाउण लगी हाँ। सतगुरु एक आकार भी पुत्र दे अंग संग निभ जाए। मां ने अरदास की थी ते कशहरा पुत्र दे कंते पवा दिता। समा पा के पुत्र दे केस वड्डे होण लगे। पहली वेरा पुत्र दे केसा च मां ने कंघा लाउणा ते परिवार दे जीआं ने इकत्तर होके फिर गुरु चरणा च अरदास की थी। ते मां अरदास करके पहली वेरा पुत्र दे केसा च कंघा लाउण लगियां। कहिंदी सतगुरु पहला कक्का केस बच्चे नूं जमांदरों बख्शिश कीते ने। सतगुरु केसां विच दूसरा ककार कंघा लाउण लगियां। सतगुरु यह भी बच्चे दे अंग संग निभ जाए। बच्चे दे तन ते चार ककार कंप्लीट हो गए। समा अपनी चाले चलदा गया। बच्चा स्कूले पढ़ने पा दिता। दुनियावी पढ़ाई बच्चा स्कूलों करके आउंदा है ते घर चो गुरमति पढ़ाई मां दी गोद चो सिखदा है। हुण होया की समा अपनी चाले चलदा गया। घरों मां दी गोद चो गुरमत पढ़दा है दुनियावी पढ़ाई स्कूल चो पढ़दा है। जो बच्चा चौथी क्लास विच गया अज स्कूलों वापस आया घर दे वेड़े विच पहुंच के मां नूं कहिंदा मां अज तक तू मेरे नाल वितकरा कीता है। मां बड़ी हैरान हुई ते कहिंदी पुत्तर जी तैनू भुलेखा लगा है तैनू गलत फहमी हुई है। पुत्रा तेरे तो चार साल वड्डी है तेरी भैन ना असी कदे तेरी भैन नाल कोई वितकरा कीता ना तेरे नाल वितकरा कीता। कहिंदा नहीं मां जी मेरे नाल अज तक वितकरा हुंदा रहा है। गल करदे आ इन्ने पिता आ गया। मां ने गल पुत्र दी पिता नूं दसी ते पिता पुत्र दे सिर ते हाथ फेर के कहिंदा बेटा असी ते तेरे नाल कदे वितकरा नहीं कीता। ते अग्गों पुत्र बोल के कहिंदा पिता जी सच विच मेरे नाल वितकरा होया है। ते बाप पुछदा पुत्र की वितकरा होया। पुत्र दे के कहिंदा पिता जी वेखो मेरे तो चार साल वड्डी है मेरी भैन उहदे तन ते भी पंज ककार ने तुहाडे तन ते भी पंज ककार ने मां दे तन ते भी पंज ककार ने। पिता जी मैं अधूरा हाँ मेरे तन ते सिर्फ चार ही ककार ने। अज मां नूं लग्या कि जिहड़ी गुरमत दी पढ़ाई मैं पुत्तर नूं घर गोदी च बिठा के पढ़ा रही सी अज उस पढ़ाई का पहला लैसन कंप्लीट हो गया। अज पहला लैसन कंप्लीट हो गया। मां दी अखां च पाणी सी। पिता ने घुट के छाती नाल लाया। मां ने भी मुखड़ा चुमे आ। ते अज मां प्यो ने फैसला किया कि अज पुत्र अंदरों तैयार हो गया है। आप खुद कह रहे हैं कि मैनू भी पंजवां ककार गात्रे वाली कृपान पवा के खंडे बाटे दे अमृत की दात पंज प्यारियां तों दवा दिओ। जदों पुत्र इदां घरों अमृत की दात लैण वास्ते तैयार होणगे फिर सच जानना। जदों परिवार के जी पंज प्यारियां कोल बच्चे नूं लैके आए पंजवां कार गात्रे वाली कृपान तन ते पवाई पंज प्यारियां तों अमृत की दात पुत्र ने लई फिर की होएगा। जदों इदां घरों गुरमत सिख के पुत्र अमृत की दात लेगा फिर सिर ते आरा ते चल जाएगा किस्सा कई चीक।
कदे भी नहीं आएगी। पर आज की हो गया सिखां दे बच्चियां नूं पग्गां ला के टोपियां पाई फिर दे, इन्हां पग्गां नाल ते सानू मिली सरदारी, परसेंट सिखी तो दूर चले आ गया। उन्हें मौका देखिया, सिर तो पग दूर हटाई ते सिर ते पैरां वाली जराब पा ली। उन्हें मौका देखिया भी घर दे कुछ नहीं बोले, उन्हें मौका तकिया सिर दा जूड़ा सिर तो ला के वो गर्दन ते ले आया। चंद दिन पहला मैं बंगला साहब ताबिया ते बैठा सा, एक 27 साल का नौजवान सिर ते कीता जाण वाला जूड़ा धौण ते करके ते पैरां दी जराब सिर ते पा के ते मत्था टेक रहा। मैं सेवादार नूं कहा इहनूं जदों पिछे आए ताबिया ते जरूर बुलाई। वो बच्चा आया, मैं कहा सज्जणा जिद्दण तूं घर पैदा होया होएगा ना, तेरी मां ने बड़ा चा कीता होएगा भी मेरे घर पुत पैदा होया, तेरे बापू ने भी चा कीता होना मेरे घर पुत पैदा होया, हुण तू जनानी बन के तुरिया फिरदा जूड़ा सिर ते नहीं धौण ते करी फिरदा, क्योंकि धौण ते जूड़ा ते जनानी करदी है। मां तेरी ने खुशियां मनाईया होणगियां, चा कीता होएगा कि मेरे घर पुत पैदा होया, ते अज तू जनानी बन के तुरिया फिरदा। पता की कहिंदा, कहिंदा भाई साहब मैं लखनऊ तो आया ते मेरी आस्ट्रेलिया दी फ्लाइट है, ते मैं पहली बार चलिया ते मैं सोचिया सफर लम्मा इस करके मैं पग नहीं बनी। मैं कह ये तो फिर तू गुरु नानक की सिखी नू होर वट्टा लाया, जे तू पग बन के जहाज च बैठदा तो मेरे गुरु नानक की सिखी नू जहाज वे तू रिप्रजेंट करदा हुंदा। उस बच्चे दी अखां च पानी सी ते कहिंदा भाई साहब भावें मैं अपना सारा समान लगेज विच पैक कर दिता है, जाके पग कढ़ांगा तो मैं गुरु की ताबिया ते ये स्वीकार करदा अपनी गलती, अज तो बाद जूड़ा मैं धौण ते नहीं सिर ते करिया करांगा। जे साडे बच्चे पग ला के जूड़ा गर्दन ते करन दी ट्राई घर विच घर दे सीसे दे सामने कर रहे ने, ते संगत दी ये मत सोचना कि घर दे सीसे दे सामने गुरद्वारा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दा ग्रंथी उत्थे आके समझाउण आएगा। मता ये समझना कि बंगला साहब दा कोई हजूरी रागी उत्थे कीर्तन करेगा वाजे लैके सीसे दे सामने कि बच्चे नूं समझाया जाए। उत्थे बच्चे नूं समझाउण दा मुढ़ला फर्ज घर दे माँ बाप दा होवेगा, उत्थे प्रचारक सानूं खुद बनना पएगा। एक इतिहास विचों बचन कहां, सन 1849 जदों पंजाब दी धरती तो खालसा राज समाप्त हो गया, महाराणी जिंद कौर नूं गोरिया ने गिरफ्तार करके अपनी कैद विच सुट लिया, ते जिस थां ते इहनूं कैदी बना के रखिया गया उदे नाल कैदियां दा भोजन तैयार हुंदा सी, ते लकड़ां दा धुआं महाराणी जिंद कौर दे कमरे च रहिंदा सी। उदियां अखां दी जोत मध्यम पै गई। महाराणी जिंद कौर दा पुत्तर दलीप सिंह
गोरिया ने पकड़िया ते उनु इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड दी धरती ते उहदे जबरदस्ती केस कतल करा दिते। ईसाइयां दे स्कूले उनु पढ़ने पा दिता गया ते बच्चे नु ईसाई बना दिता गया। महाराणी जिंद कौर गोरियां दी कैद विच्चों नौकराणी नू अपने कपड़े पवा के ते नौकराणी दे कपड़े आप पा के नदी चों पानी लैण दे बहाने घड़ा चुक के ते किले दी कैद चों निकल गई। ए पैदल सफर करदी करदी ते नेपाल पहुंच गई। नेपाल दे राजे नाल राबता कायम कीता ते उन्ने अपने कोल शरण दे दित्ती। नेपाल दे राजे नाल गल करन तो बाद महाराणी जिंद कौर नू उहदे पुत्तर दे नाल मिलण दा समां दे दित्ता। हुण 1849 तो मां पुत्तर विछड़े ने ते वक्त आ गया 1861 दा 1861 दा। गोरियां ने सोचिया भी लम्मा वकत गुजर गया है, हुण मां अपने पुत्र नू सिक्खी च नहीं लिया सकेगी। हुण ते असी उहनू पूर्ण तौर ते ईसाई बना चुके हां। चर्च विच दलीप सिंह जाण लग पे है, वह पूर्ण तौर ते ईसाई बन गया है। मां दियां अखां दी जोत बिल्कुल चली गई है। ये हुण अपने पुत्र नू पछाण भी नहीं सकदी ते उहनू सिख कित्थों बना लएगी। कलकत्ते दी धरती ते महाराणी जिंद कौर नू बुला लिया गया। दलीप सिंह इंग्लैंड दी धरती तो कलकत्ते आ गया। एक कमरे विच महाराणी जिंद कौर बैठी है, सामने तो पुत्र दलीप सिंह आया है। ते जिद्दां ही सामने बैठी मां नू तकिया, पुत्र ने उच्ची देरा बोलिया, मां, मां दे रोंगटे खड़े हो गए। उठी, दिसदा नहीं है, पुत्र दी आवाज सुन के पुत्र वल दौड़ी। उधरों पुत्र दौड़िया, घुट के जफ्फी पुत्र नू पा ली। कालजे नू ठंड पई, पिट तो हाथ फेरदी फेरदी जदों सिर ते लैके आई, तकिया सिर ते जूड़ा नहीं है। मोढ़िया तो पुत्र नू पकड़ के पिछे नू धक्का मार के कहिंदी, सिपाहियो केस नू पकड़ ले आए हो, यह मेरा पुत्र नहीं है। दलीप सिंह कहिंदा, मां, मैं ही तेरा सब तो छोटा पुत्र हाँ। दलीप सिंह कहिंदी, ना ना सिपाहियो, ये झूठ बोलदा, मैनू दिसदा नहीं, पर लै जाओ मेरिया अखां दे सामने, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। वो वास्ते पाउंदा, मैं तेरा पुत्र हाँ। मां कहिंदी, नहीं। उत्थे एक कवि ने चंद पंक्तियां लिखियां, वो कहिंदा, विछड़ी जिंदा नू पुत दलीप मिलिया, तहां मार सी रोई मजबूर माता। वो तहां मार के रोई, पता क्यों रोई, कहिंदी, तू मेरा पुत नहीं हो सकता, मेरा पुत आएगा, उहदे सिर ते सोहना जूड़ा सोहनी दस्तार होएगी, उहदे तन ते पंज ककारी वर्दी होएगी, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अग्यों मां जिंद कौर पुत्र दी मुलाकात ते पुत्र नूं की वास्ते पाउंदी है, कहण लगी, वे तू पुत सें संत सिपाहियां दा, तेरे गातरे पई किरपान है नहीं। मैनू तेरे तन ते गातरे वाली कृपान नजर नहीं आती, तू ते संत सिपाहियां दा पुत्तर सी, तेरे सिर ते दस्तार भी नहीं। वे तू पुत सें संत सिपाहियां दा,
तेरे गातरे पई किरपान है नहीं कच्छ केस कड़ा किरपान कंगा सिक्की चिन्ना दा कोई निशान है नहीं तेरे तन ते ना कड़ा ना जूड़ा ना जूड़े च कंगा ना तेरे तन ते गातरे वाली किरपान सिक्खी दा कोई निशान नहीं तू मेरा पुत किवें हो सकदा है चला जा मेरिया अखा दे सामने। मां ने जदों गल कही पुत्र रोण लग पिया। मां अगली गल फिर कहिंदी वे चंगा हुंदा जे धर्म तो जान दिंदा रहिंदी गुरु नू मूह वखाउण जोगी। तू सिर तो केस कटा के आया पांच ककारी वर्दी उतार के आया इस नालों फट्टे ते पई तेरी लाश आउंदी तेरे सिर ते दस्तार हुंदी पांच ककारी वर्दी हुंदी छाती ते हाथ मार के माण नाल मैं अपने गुरु नू कहिंदी सतगुरु मैं उस सिख दी मां हां जिन्ने सिक्खी केसां सवासां संग निभाई है। तू ईसाई बन के आ गए चंगा हुंदा जे धर्म तो जान दिंदा रहिंदी गुरु नू मूह वखाउण जोगी। रूह तड़फदी ना शेरे पंजाब दी कदे रहिंदी सिख दी मां अखवाउण जोगी। मेरे पति दी रूह ना तड़फदी मैं एक सिख दी मां ते अखवाउंदी हुण की कहांगी मैं जहान नू कि मेरा पुत ईसाई बन गया। मां ने अंदरों हलूणा दिता पुत्र नू। इन्नी गल कह के महाराणी जिंद कौर भुब्बा मार के रोण लग पई। रोंदी मां नू देख के पुत्र गोडे टेक के मां दे पैर पकड़दा। मां पैर पिछे नू करके अपना गला भरिया साफ करके बोलती है मेरे पैर पकड़न वालिया तू पुछेगा नहीं अज मैं क्यों रोई हाँ। फिर दोबारा पैर पकड़ के कहिंदा मां दसो तुसी क्यों रोए ते महाराणी जिंद कौर कहिंदी है कहन लगी पुत्रा वेख पंजाब दी धरती तो मेरा खालसा राज चलिया गया मैं तावी ना रोई मेरा सिरदा साईं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चलिया गया मैं तावी ना रोई मेरिया अखां दी जोत चली गई मैं तावी ना रोई गोरियां ने मेरे तो मेरे कमर कसे च बजा कोहे नूर हीरा भी खोलिया मैं तावी ना रोई अज मैं इस करके रोईया क्योंकि मेरे घर चो मेरे गुरु नानक दी सिक्खी चली गई है मैं इस करके रोई हाँ मेरे घर चो मेरे गुरु नानक दी सिक्खी चली गई है। सिखा तू वास्ता पाएगा अपने बच्चों अगे तू तरला लेगा सिखा अपने बच्चों अगे कहेगी एक मां अपने पुत्र नू आखेगा एक बापू अपने पुत्र नू कि तू मेरे घर चो सिखी ना गवाई। कहन लगी मैं इस करके रोई अज भुब्बा मार के मेरे घर चो गुरु नानक दी सिखी चली गई। अग्यों हुण दलीप सिंह बोलिया उस क्या मां दे चरण फड़ के फिरंगी कीता है सिखी तो दूर माता अमृत छक के सजांगा सिंह पूरा सौ खांदा हां तेरे हजूर माता। मां मैं अमृत दी दात लैके सोना सिंह सजांगा पांच ककारी वर्दी धारण करांगा। ते अग्यों मां ने पता की किया कहन लगे तू मेरी सौ ना खा तू गुरु गोबिंद सिंह नू चेते करके कह कि मां मैं तेरी अर्थी नू मोढ़ा तां देंगा जे मेरे तन ते पांच ककारी वर्दी होएगी वरना मैं तैनू अपनी अर्थी नू मोढ़ा देण दा हक नहीं देंगी। कि असी अपने पुत्र ते धी नू ये गल कह सकांगे
कि एक पिता अपने बाप एक अपने पुत्र नूं यह बात कह सकेगा कि तू मेरी अर्थी नूं मोढ़ा तां दई जे तेरे तन ते पंज ककारी बरदी होवे। सिखा जदों पंज ककारी बरदी तैनू भार लगन लग पएगी ते सोच फिर जेड़ा बचन कलगीधर पातशाह ने कहा सी जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब ए गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सिखा महाराणी जिंद कौर ने ते वास्ता पा के अपने पुत्र दलीप सिंह नूं सिक्खी च वापस ले आंदा। वो अमृत दी दात लेके सिंह सज गया ते सिखा तू क्यों नहीं मन बना लैंदा। 26 तरीक नूं इस पावन स्थान ते शामी 4 बजे खंडे बाटे दे अमृत दी दात तैयार होनी है। बड़ी लंघ गई उम्र वेख बाकी उम्र गुरु गोबिंद सिंह नूं भेटा कर दे। असी की करदे आ जेड़ी उम्र सानू आप भी चंगी नहीं ना लगती वो 70-80 साल की उम्र विच जाके फिर कहने भी हुण ते मैं शराब छड्डती हुण ते अमृत छाकी लवां। छड्ड नहीं दित्ती हुण पचदी कोई नहीं। जेड़ी उम्र खुद नू चंगी नहीं लगती कहिंदा गुरु ये मैं तैनू दे दियां ते जेड़ी आप नू चंगी लगती सी वह गुरु नू नहीं भेटा की। सिखा इंतजार विच जिंदगी ते लंघ गई चेता रखी जितन गुरु नू अंदरों समर्पित होएगा ते फिर जे तेरा दिल कहेगा भी कलगीधर पातशाह तुहाडे खंडे बाटे दी अमृत दी दात तो बिना तो मैं अधूरा ही फिरदा। सतगुरु तरस करदे हो बाणी दा पाठ भी कराउंदे हो ते बाणी विच वे जेड़ा अमृत है मेरे अंदर ताई प्रफुल्लित होएगा ना जे तुहाडा खंडे बाटे दा अमृत बाहरों छक लवांगा। तुसी जैड पंप लावो समर सिवल बोर करवावो समर सिवल दा पानी भी ताई बाहर आएगा पहलों उपरों एक वरा जरूर पाउणा पएगा। धरती चो पानी कढ़न लग्या पहलों उपरों पानी पाउणा पैंदा ताई धरती दा पानी बाहर निकलदा है। कलगीधर पातशाह कहिंदे रब्बी अमृत तेरे अंदर भी है रब्बी अमृत नूं सुरत तक लजाण लई कलगीधर पातशाह दा खंडे बाटे दा अमृत मुखड़े च जरूर पाउणा पएगा। ते जिद्दण ए अमृत दी दात तू सतगुरु तो लएगा इस पावन स्थान ते 26 जनवरी नूं दात लै जे नहीं ते तेरा मन होवे ते हर एतवार दिन दे 11 बजे गुरद्वारा बंगला साहिब विखे ते हर बुधवार दिन दे 11 बजे गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे सतगुरु तरस करके खंडे बाटे दे अमृत दी दात बख्शदे ने ते तू उत्थे पहुँच के भी पावन इतिहासक स्थान ते भी ते भावें इस स्थान ते ये जेड़ा महान उपराला प्रबंधकां ने कीता ते मेरे अत सत्कारयोग मेरे वीर जसप्रीत सिंह जी सोनू वीर जी जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ बड़े सोहने ढंग नाल संगतां नूं प्रेर के थां थां ते जा के सतगुरु दी बाणी दीआं उदाहरणां ते बाणी दे कीर्तन नाल जोड़ के संगतां नूं अमृत दी दात वल प्रेरदे ने। संगत जी ये उपराला भी प्रबंधकां वल्लों उसे ही प्रोग्राम दे अधीन है। आओ आपो अपना मन बनाइए छेते रखना बूटा जुलम दा जड़ां तो पुट्टण लई तेग धर्म दी जिन्ना चलाई होवे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इको बाटे चो सब नू छका अमृत
जात पात की कंध जिन्ना ढाई होवे वह जिन्ना सिखी का महल उसारने लई अपनी औलाद नीहां विच चिणाई होवे। ये गुरुद्वारे एवें नहीं खड़े होए, नीहां विच साहबजादे बैठे ने, गुरुद्वारे की छत थले बैठन लग्या ये चेता रखी कि इन्हां नीहां विच साहबजादियां दा भी खून है। तो साहबजादियां नूं चेते करके फिर पंज ककारी वर्दी का धारनी हो, खंडे बाटे दे अमृत की दात लै, सोहना गुरसिखी जीवन जी, इन्नी कु सेवा परवान। कोटान कोटान शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब जी का, आप समूह संगत का धन्यवाद जो एकाग्रचित हो करके साहिबां दे बचना नूं श्रवण कीता है। समूह प्रबंधक सज्जणा का धन्यवाद जिन्हां माण दे दासरे नूं गुरु के बचन कहण का सुभाग समा बख्शिया, तह दिलो धन्यवाद। मेरे वीर जसप्रीत सिंह जी, सोनू वीर जी, जिन्हां ने माण दे आप संगत नाल इस प्रोग्राम विच हाजरी भरन का सुभाग समा बख्शिया, सबना दा तह दिलो धन्यवाद। गुरु के वजीरां दा धन्यवाद, सतगुरु की पवित्र बाणी विचों ते इतिहास के चरोखे चों बचन सांझ करदे होईयां बेअंत बेअंत भुल्लां मेरिया जान मेरी झोली पा देनियां, बचन सतगुरु की बाणी ते इतिहास दे जान हिरदे की झोली वसा, असीस बख्शो फतेह परवानो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी बंगला साहब वालियां दा, जिन्हां ने आप सब संगतां नूं अमृत संचार जो हुण जा रहा है गुरद्वारा साहिब विखे उस दे संबंध विच सोहणे सुचज्जे ढंग दे नाल गौर इतिहास उत्ते गुरमत विचारां सरवण कराईआं, सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शन। आ रही 26 तरीक नूं गुरद्वारा साहिब विखे अमृत संचार होवेगा। अमृत संचार दा जो समा है वह शाम 4 बजे दा है। जिन्हां संगतां ने हजे तक अमृत की दात नहीं छकी वो अपना मन बना के 26 तरीक नूं गुरद्वारा साहिब विखे पहुँच के अमृत की दात जरूर छकन। अज ही अपना नाम गुरद्वारा साहिब दे राशन स्टोर विखे लिखाउण दा आप जी ने जतन करना है। अमृत संचार दे संबंध विच नीता प्रति दीवान सज रहे हन, जिस विच आप जी नूं गुरमत विचारां गुरबाणी कीर्तन दे नाल निहाल किया जा रहा है। इसे तरह हुण अगलेरे समय दे लई तकरीबन 10 बजे तक भाई साहिब भाई सिमरप्रीत सिंह जी बीबी कौला जी वाले गुरबाणी कीर्तन नाल निहाल करनगे। प्रेम भावना नाल बैठ सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्राप्त मानुक देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत
मिल साध संगत भज केवल नाम अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिर नहीं माने भई प्राप्त मानक देहरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया सारी संगत प्यार ना रखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। कल भी बेनती की थी बड़ी सौखी दवाई गुरु नानक दे घर ने वंडी है हर कीर्तन सुना हर कीर्तन गावे दिस जन दुख निकट नहीं आवे सुख दुख इस मन की बिरथा बस सच्चे पातशाह नजर करन जुड़ के कीर्तन हो जाए सुखां दी पंड कर जाएगी। जब जी साहब जी रोज पढ़ते हैं गावी है सोनी है बोलो मन रखिए भाओ कम शुरू गाउण तो ही होना है बस गाने च मन अजूरी च आ जाए मन दे विचार फुरने टुट जाने मन इत्थे गल्लां करे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नाल मन हजूरी च रख के कहो जी मन नूं नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की कहत मिलन की बरिया भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं ये मनुखा दे क्यों मिली है हां जी नानक कहत मिलन की बरिया कहत मिलन की बरिया बोलो सारे नानक खुल के बोलो मिलन की अपने मन नू समझाना है नानक सिमरत का नहीं सिमरत का नहीं सिमरत कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया संगत बोले सारी नानक कहत इंज महसूस करो कि बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह जी सानू मोढ़ा हिला के कह रहे हैं कि जन्म मिले है बच्चे ना पाड़दा रह जाई जन्म मिले है दुकाना ना चलांदा रह जाई ऐ सब करदे होया अपना असली फर्ज याद रखी नानक कहत मिलन की बरिया
कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया संगत बोले सारी नानक जेड़ा मन भजदा है मन कहंदा थोड़ा समा और मिल जाए छक लांगा अमृत आखो सतनाम श्री थोड़ा जा पता लग जाए कि गल कहनी की चाह रहा मैं नानक कैद मिलन की बरिया जब महाभारत जो युद्ध खत्म हो गया ना जी एक गरीब जा ब्राह्मण युधिष्ठर को आ गया अपनी शिकायत लैके शिकायत की सी कि किसे जालम बंदे ने मेरी गऊ खोल ली है ते मैनू अप शब्द बोले ने मेरे नाल इंसाफ किया जाए कहिंदे जदों दीवान च आया वो ब्राह्मण ते युधिष्ठर ने कहा भी हजे मेरी मीटिंग चल रही है गलबात चल रही वार्ता तुहानू तो बाद समा दें कहिंदे वो पहला जिहड़ा डेलीगेशन आया जी वह उठिया दूजा आ गया तीजा आ गया चौथा आ गया कहिंदे वो ब्राह्मण बेचारा सवेर तो लैके शाम तक बैठा रहा उहदा नंबर ही नहीं आया इत्थों सीध लैके जायो ओए गुरु गोबिंद सिंह वर्गा लभना है जिन्हां नू कोई नहीं पुछदा सी गुरु गोबिंद सिंह ने नीवियां नू उच्चा करता बाणी च लिखिया ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र तरे जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे की किता अमृत छका के नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद नीचो ऊंच बोलो नीचो ऊंच ओए काहूं ते ना डरे कहंदे जदों शाम दे बज गए छे ते युधिष्ठर ने अपना एक अहलकार भेजिया कि ब्राह्मण नूं कह दिओ कल आवे अज मैं हुण थक बड़ा गया वा कहिंदे ओह ब्राह्मण विचारा बड़ा मायूस जिहा होया महल तो बाहर जा रहा सी ते बाहर अगों आ गया भीम ते भीम ने कहा ब्राह्मण जी की गल बड़े उदास जा रहे हो साडे दरबार चों कहिंदा मैं अपनी शिकायत लैके आया सी किसी ने मेरी गऊ खोल ली है मैनू अपशब्द बोले ने युधिष्ठर ने मैनू सवेर तो लैके शाम तक बिठाई रखिया शामी कहता कि हुण मैं थक गया कल आना मैं तां मायूस हाँ उदास हाँ ते कहिंदे भीम ने उसले पता की किया अपनी गल इत्थे आनी है नानक कहत मिलन की बरी आ भीम कहिंदा ब्राह्मण जी हुणे रुको हुणे तुहाडा फैसला करा के भेजने एक सिपाही नूं बुलाया सिपाही नूं बुला के कहिंदा कि जदों असीं जंग जित के आने तो जिहड़ा असीं नगाड़ा वजाने ना वह नगाड़ा वजा तो इन्नी जोर दी वजा के पूरा राजमहल गूंज उठे वह सिपाही कहिंदा कि भीम जी अज कहिड़ा कोई युद्ध लड़ के आया कहिंदा कि तू बस बजा बाकी गल मैं आपे करांगा युधिष्ठर नाल नगाड़ा वज गया युधिष्ठर जिहड़ा सौन गया सी अपने कमरे च भज्जिया बाहर आया आ के हैरान हो के कहिंदा कि भीम की होई अज कहड़ा कोई जंग लड़के आया केड़ी जंग जित के आया जेड़ा नगाड़ा वजवाता ही कहंदा युधिष्ठर जी भ्राता जी अज ओ जंग लड़के आया जिदे सारे ही हार जांदे ने पर तुसी जित गए हो कहंदा ओ केड़ी जंग है कहंदा मौत दी जंग आखो सतनाम श्री युधिष्ठर कहंदा भेलियां नूं बुझा साफ साफ दस कहना की चाहना है कहंदा बेचारा ब्राह्मण सवेर दा तुहाडे दर ते बैठा सी फरियाद लैके ते तुसी उन्नू कहता कि अज मैं थक गया कल आई एदा मतलब है कि तुहाडी मौत नाल जंग चल रही सी जंग जित गए हो तुहानू एक अपने मन दे अंदर भरोसा हैगा कि कल जिहड़ी सवेर चढ़नी है मैं उठना है जिन्हां दा मन कहंदा ना कोई गल नहीं छब्बी नूं ना सी आंदे ऐतवार नूं छक लांगे बुधवार नूं छक लांगे एदा मतलब है उन्होंने मौत ते जित पा ली है
कोई पता नहीं कदो जम का ठेंगा मूड में लग गया। उस तो पहले पहले मन नू समझा लो मना नानक कहत मिलन की मरिया नानक कहत मिलन की बरिया। संगत बोले सारी नानक कोई पता नहीं कल उठना नहीं उठना अज जे इतो नाम लिखा भी जाओगे ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी आंदे बुधवार मैं तेरा गात्रा सजा के तेरी धी बनना जे कल सवेरे मौत आ भी गई अपने गुरु दे भरोसे कहना वा 84 दे गेट च नहीं पैणगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहेंगे कदम ते पुटिया सू दोबारा मौका दे दियो नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया। बोलो जी नानक कोई कह दे अजकल जमाना शंका दा है लाइव जा रहे प्रोग्राम कोई कह दे कि भाई साहब जी अपने वालों ही कही जाते हैं कल सवेरे कोई मर गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने मौका दे देंगे। भाई गुरदास जी कहते हैं चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सत गुर कोट पेंडा। बोलो चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर को इसलिए आज अपने मन नू कहो मना गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने मिलन दी वारी है कित मुक ना जाए मिल ले उस तो पहले नानक कहत मिलन की बरिया नानक कहत मिलन की बरिया। सिमरत कहाँ नहीं सिमरत कहाँ नहीं सिमरत कहाँ नहीं सिमरत फिरत फिरत बहुते जुग हारियो 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 मानस देह लही मानस मानस देह लही मानस देह लही अवर जोन तेरी पनहारी इस तरनी में तेरी सिखदारी इस देही को सिमर देव सो देही पाज हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाओ जेड़ा भुला मन है ना वही कहता है छक लंघा अमृत कोई गल नहीं लंघ लैन दे दिन भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाहो ए लाहा लैन तो रह ना जाना हाँ जी नानक मिलन की बरिया कहत मिलन की परिया नानक कहत मिलन की परिया। बोलो संगत सारी नानक बरिया
मानस जन्म दुर्लभ है, बोलो मानस जन्म सारे मानस जन्म दुर्लभ है, मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारो बार कबीर जी कहंदे ए फौज आ गई बाबा फतेह सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी दी, एक बारी इन्हां नूं जीआं नूं कहंदे जकारा ला दिओ, सारी संगत करो जी कृपा, संगत च कोई लाओ एक गुजवा जकारा, आया जी आया, बस इनू वेख के गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी इन पुत्रन के शीश परवार दिए सुत चार, ओ चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार, आज जब तुसी इत्थों जाओगे ना अमृत नहीं छकिया होएगा, गुरु गोबिंद सिंह का मन रोएगा, कहना सौखा है मेरे वर्गा वाजे दे बह के सुना देगा तुसी सुन लोगे, पर जेड़ा उदे विचो लंघदा है ना उनू लंघना बड़ा औखा है, की मैं भी गृहस्थी हां तुहाडे वक्त 5 साल की बेटी है मेरी तुहाडी संगत की कृपा नाल, हुण 3 कु महीने पहले ना उहदी खब्बी बांह की हड्डी टुट गई, घर खेलदे खेलदे बच्चा डिग जांदा तुहानू पता है, जदों असीं डाक्टर कोल गए उन्हें ना इंज बांह कलाई की हड्डी इंज सीधा करने ना जो एवं मोल्ड जहा किया ना तो कुड़ी चीकी, वो जो चीकी ना मेरिया भी अंदर मूह च आ गई, आखो सतनाम श्री वाहे, एक मिनट लई मेरा भी मन घबरा गया, पर अंदरों फिर निकलिया के गुरु गोबिंद सिंह जी तेरे वर्गा तू ही होई है, पुत्र शहीद हो रहे ने सामने ते सिंघां नूं कहंदे पैने संध्या दा वेला हो गया, अरे राज दा समां नूं खंजाओ, आओ दीवान च बह जाओ सारे, दिओ जकारा गुरु गोबिंद सिंह दे प्यार च, कन्नां नूं हथ लग जांदे जी, ये सब कुछ कुर्बानियां कीतियां किहदे वास्ते, कि आण वाले समें च जदों दस्तारधारी बच्चे सड़कां दे निकलणगे माण करणगे अपने सिखी विरसे दे, अज पछाण के जाओ किस वड्डे दरबार नाल साडा लिंक है, की कह रहे बाबा कबीर जी, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, मानस जन्म बोलो संगत मानस, अरे एक गाओ ना अपने मन नू समझाओ, ओए मना लख 84 जोन भरमाया, एक काम करो अज घर जाके ना एक काम करना, एक तो लैके 84 लख तक ना गिनती करियो, कई बारी भुलोगे कई बारी थकोगे, गिनती नहीं जे पूरी होनी, 84 लख अखर गिनने जेड़े औखे ने, जदों 83,99,999 जूना दे अंदर उन्हें पाता, जो दा कानून है, जो दा कानून है, मानस जन्म दुर्लभ है, ये बरिया चूक गई ते फिर ओ खेड़ वरतेगी, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा, गज के कह दे सतनाम, गुरमुखा कोल विद्या होंदी है, पढ़ाई होंदी है, अपनी अपनी स्टडी होंदी है, ते नाम जपण वालिया ने कहा कहंदे जेड़े 83,99,999 जून है ना जिदे बाद 50-60-70 साल मिलते ने, पता है उदी उम्र किन्नी जे 6.5 अरब साल, आखो सतनाम श्री, 100 नहीं 1000 नहीं लख नहीं करोड़ नहीं 6.5 हजार अरब साल भोग के 60 साल मिलते ने 70 मिलते ने,
किते अजाया ना चला जन कबीर मानस जन्म दुर्लभ है मानस जन्म दुर्लभ है बोलो बोलो किते भलेखा होंदा ना बंदे नूं कोई नहीं अगले जन्म छक लांगे बाबा कबीर जी कह रहे है ओए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे है जिदे एक अखर नूं कोई कट नहीं कर सकदा कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए ना बारे बारे जो बन फल पाके भूए गिरे बोहर न लागे डार कहिंदे एक वारी फल पक के जदों डाली तो थल्ले डिग जांदा है दोबारा डाली नाल नहीं लग सकदा फिर ते डिग के सड़ेगा ही सड़ेगा अपने मन नूं समझाओ जे 60 70 मिले ने जे कित्ते बीत गए ते फिर पता कित्थे पावांगे अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे अंतकाल जो बोलो अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल उतरे कहिंदे बार बार सप दी जूनी भोगनी पई कल सुनिया सी ना गुरमंत्र हीन से जो प्राणी त्रिगंत जीवन प्रश्न है त्रिग सौ लाण तां किसी नूं पाण ना ते इक त्रिग बणदा है कहिंदे जिस मनुख ने मनुखा देही जाके अपने गुरु कोलो गुरु दिख्या नहीं लैती गुरमंत्र नहीं लिता गुरु वाले नहीं बणिया बाणी कहिंदी है त्रिग है उहदा जनम कुकर सूकर गर्भत है काक है कहिंदे ओ फिर कुत्ते सूअर कां सप एहो जी जूनिया जे वार वार उतरेगा सप हुंदा ना सप जे इच्छा धारी हो जाए ते फिर इक्को मटके दे कई कई जन्म धरती दे अंदर दबिया रहिंदा कोई बात नहीं जे पुछण आंदा कबीर मानस जन्म दुर्लभ है कबीर मानस जन्म दुर्लभ है जी होए ना बार बार ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਨਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੈ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੈ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰਿਆ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਬਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੁੱਤ ਰਥ ਸੰਪਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏ ਜਾਨੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਓਏ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ
बोलो जी नानक महापुरुष ने गुरमुख प्यारे संत हरी सिंह जी रंधावे वाले इन्होंने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा तो सारी गुरु ग्रंथ साहब की विद्या लिखी। यही तेरा अवसर यही तेरी बार जे कहते कुत्ते बन गए कां बन गए सप मिल गए फिर कहने अंदर भी नहीं वड़न देना अमृत छकने से दूर की गल है। भगत नामदेव जी नाल की होया जी सभा च बैठे सन उच्च कोटी के ब्राह्मण बैठे सी ते भगत जी आके बह गए इंज उठाता जी कहते निकल बार तू गुरु नहीं धारण किया निगोरा बंदा बामणा दे विच विचार च नहीं बह सकता रो पए सन कहते इन्ना नाम जपया इन्ना ज्ञान प्रगट हो गया आकाशवाणी हुई नाम दे जब तक गुरु धारण नहीं करेगा अगां थां नहीं लभनी आखो सतनाम। भगत धन्ना जी ओ हरी जेड़ा तीन बन्ने रोजी पिया दिंदा है किन्ना को प्रेम कीता भगत तन्ने ने के ओ हरी नू खेतां नू वट लाण आणा पै गया जो जन तुमरी तिन के आए सवार कीता हरी ने ते भगत तन्ने दे मन च इन्ना ही आ गया बड़ा ही सौखा रब रे जाना सत दिन भुखे रहे ते काबू आ गया आखो सतनाम श्री। कहिंदे उस रात नूं मैं इतिहास पढ़ के हैरान हो गया कहिंदे राती भगत धन्ने नूं सपना आया है कि सत जन्म लिते ने ते सत्ते दे सत्ते एहो जी मौतां होई है कि किसे ने पिंजर भी नहीं चुकिया सड़दा रहियां हड्डियां भी सड़दा रहियां कीड़े पैंदे रहे ते सवेरे उठ गए त्रबक के उठ गए ते कहिंदे ने बीठल राती सपना बड़ा पैड़ा आया है ते बीठल कहिंदा धन्निया जिहड़ा मन दे विच आ गया सी ना कि सत दिन च रिझा लिया सत दिन नहीं पिछले सत जन्मां दी कमाई चलदी आ रही तां इस जन्म च प्राप्ति होई है। भगत धन्ना जी कहिंदे फिर हुण अपने च भेद कर लो कहिंदे धन्निया होर जो मंगेगा दे देंगा पर जिहड़ी अभेदता है ना कि आवागमन मिट जावे वह उदों तक नहीं संपूर्ण होना जदों तक किसी नूं गुरु नहीं धारेगा। ओ भगत धन्ना जी ने फिर काशी जाके भगत रामानंद जी नूं गुरु धारण किया तां आवागमन तो बाहर निकले असी किहड़े खेत दी मूली हाँ एक बार पढ़ो फिर मैं वो गल सुनाना जिहड़ी यही तेरा अवसर तेरी बार तेरा अवसर तेरी बोलो गज के संत हरी सिंह जी रंधावे वाले अजे जीउंदे ने पंज प्यारियां च लगते सन हुण भी लगते ने कदी कदी कहिंदे एक जगह अमृत संचार हो रहा सी मस्तुआणा साहब दे नेड़े कहिंदे असी बाणे पा के तैयार हो गए अमृत अभिलाखियां नूं एक एक करके अंदर वाणन लग गए कहिंदे जदों सारे अमृतधारी सिंह अंदर वाड़े जिन्हां ने छकना सी वाहिगुरु जिन्हां ने अमृत की दात लैनी सी कहिंदे सारे एक एक करके अंदर आ गए सारी तैयारी हो गई कि हुण पंज बाणियां नाल बाटा तैयार किया जाएगा फिर रहत दृढ़ कराई जाएगी कहिंदे जदों पड़दा अगे करन लगे ना कहिंदे कमाल हो गई उत्थे इक कुत्ता अंदर वाला है पिंड दा इलाका सी जी भंडार जमर संचार हो रहा सी उदों हुंदे सी पिछले जमाने एड्डियां इमारतां ते सोनियां बड़ियां नहीं हुंदियां सी उस वेले एक गल उन्हां ने सुनाई मेरे ख्याल सन 1982-83 दी कहिंदे कुत्ता अंदर वाड़ा या करना सी अमृत संचार उत्थे ओलंपिक दी खेड शुरू हो गई कहिंदे असीं उदों कुत्ते नूं फड़ीए ओह इधर भज्जे उधरों फड़ीए उधर भज्जे कहिंदे अखीर मैं सारिया सिंगां नूं कहा कि इहदे च वी रब वसदा जो करदा करन दो तुसीं अपना काम करो कहिंदे पता की होया जिवें इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा तखत है ना कहिंदे उत्थे तखत लक्कड़ दा बणिया सी ते ओह कुत्ता गुरु ग्रंथ साहिब दे तखत ते जाके थले बैठ गया कुछ कहा नहीं उहने किसे नूं ओह थले बह गया कहिंदे साडा उहदे वल ध्यान ना गया असीं अपना अरदास कीती सारी अमृत संचार दा विधि स्टार्ट हो गई
पांच प्यारियां ने बाटा तैयार किया, अमृत भलाखियां नूं रहत दृढ़ कराई, चूल्हे दित्ते छिट्टे पाए, केसां च पाया, फिर वाहिगुरु गुरमंत्र दृढ़ कराया, मूल मंत्र दृढ़ कराया। कहिंदे जदों अखीर च सांझा बाटा छकांदे ने ना जी, जिहड़े तुहाडे जो अमृत छकदे ने ना, उहनां नूं पता है कि अखीर च फिर इक्को बाटिया जो सारे अमृतधारियां नूं छकाया जांदा, अंदरों एक भरम कढ़िया जांदा है। असीं हुण एक पिता एक सिख मुबारक बन गए हां, मन च भरम नहीं लियाणा कि यह नीवी जात दा ते मैं उच्ची जात दा। आखो सतनाम श्री एक क्रांति लियांदी गुरु गोबिंद सिंह ने, नहीं तो वह भी वेला सी कि नीवी जात वाले का जो परछावा भी नलके दे उत्ते पै जांदा सी ना, कहिंदे सी नलका पुट दिओ यह नलका अपवित्र हो गया। जे किसी के नीवी जात वाले का परछावा भी पै जांदा सी ना किसी बामण के उत्ते, कहिंदा सी हुण मैनू कपड़े समेत नहाना पैना दोबारा, तेरा परछावा मेरे ते पै गया, मेरी अज की दिहाड़ी अछूत हो गई। इहो जिहे भी दिन सी, मिलना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा, खुलियां दातां वंडियां जिहड़ी सुरनर मुणजन लोचदे ने, कोई आए सही, कोई आए सही मंगता बन के। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने ओ अमृत जिहड़ा 14 मंथन करके देवतियां ते राक्षस ने कढ़िया सी, मैं अपने सिखां नूं खुला वंडांगा। चलो गल समाप्ति वल आवां जी। कहिंदे जदों सांझा बाटा छका रहे सी ना, जदों तुहानूं पता इक बाटा हुंदा जो सारियां नूं छकांदे, इक इक घुट जिन्ना जिन्ना हिस्से किसे दे आ जाए, कहिंदे उहदे जो कुछ बूंदा जमीन ते गिर गईआं, कहिंदे असीं वेख के हैरान हो गए। जदों ऐ कम वरत्या ना कि जल दियां अमृत दियां वाहिगुरू, दो चार बूंदा धरती ते गिर गईआं, कहिंदे पंज प्यारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कहिंदे उह कुत्ता गुरु ग्रंथ साहिब दे जिस तखत दे उत्ते प्रकाश सी तखत दे थल्लों निकलिया, आ के फटाफट जिहड़ियां बूंदा जमीन ते डिग्गियां सी उह चट्टियां ते बाहर चला गया। आखो सतनाम श्री, वेख लो कोई होना है। संत जी कहिंदे फिर पंज प्यारे ने संगत नूं गुरमता करके दसिया कि यह भी कोई पिछले जन्म का भुलाखी होना है, मन च फुरना कर लिया होना है कि छक लांगा ते अंत घड़ी आ गई, कुत्ते दी जून मिल गई। हुण भावें रसना नूं अमृत ते तुपके ते लग गए ने, पर गुरु वाला नहीं बनिया हजे, 84 जो बार नहीं आएगा। हां जी नानक कहंदे कुत्ता बेचारा किन्नी त्रिकत जीवन है, गर्मियां च कभी जा रहे हो ना गलियां च नाली दे विच जीव पा के पानी पींदे। आखो सतनाम श्री, साडे घर दे बच्चे पता की कहंदे, पापा वेखो छी छी किन्ना गंदा काम कर रहे हैं। ए नहीं पता जे इस मत्थे दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह दी मोहर ना लगी, अमृत ना छकिया, ते घबराना तेरे वास्ते भी इहो ही रस्ता इख्तियार होया होया। आखो सतनाम श्री, बचना तू भी नहीं जे चाहना बचना ते फिर मन नू समझा के जा, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, सारी संगत बोलो यही तेरा, यही तेरा जी घट पीतर तू देख विचार, घट पीतर तू देख विचार, पीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, कहत कबीर मौका तेरे हाथ च है, मर्जी तेरी है कि दरगाह च हार के जाना है कि जित के जाना है। हुण तुसी सारे टीवी वेखदे हो ना, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो, जिहड़ी टीम जित के आंदी है छातियां चौड़ियां होंदियां, मत्थे खिड़े होंदे है कि असीं मैच जित के आए हां। बाबा कबीर जी कहिंदे मनुखा दे एक मैच है, रोज 24,000 श्वास मिलते हैं, 12 बजे अकाउंट क्लोज हो जाता है, अगले मिलते हैं, चेक कर अज दे 24,000 खाते च पए ने कि नहीं पए, कल दे मिलन लगे नहीं पैणगे कि नहीं पैणगे,
जे ते अमृत छकिया होएगा गुरु गोविंद सिंह दी मोर मत्थे ते लगी होएगी अंदर एक निर्मल पै होएगा कि दरगाह जाके मैं मुंह दिखाना है जे आज राती कतरे दे बिना चला गया गुरु गोविंद सिंह कहणगे ए कौन आ गया बाहर कड्डो इनू कहत कबीर जीत के हारे कहत कबीर जीत के हारे ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है कहंदे हार केड़ा आई जे मनुखा देही मिली है ना ते फिर इस तरह आई कहो नानक बाहा लुड़ाई है कहो नानक बाहा लुड़ाई है कहो नानक बावा उलारदा होया आई बिना किसे डर तो आई कि मैं धरती ते जाके अमृत छकिया गुरु गोबिंद सिंह दी रहत दृढ़ कीती है पांच प्रतियां तो बच के रहा वा रहत संभाली है मैनू उत्थे कोई हाथ नहीं पा सकता मैं निरंकार दा पुत्तर हां हां जी कहत कबीर जीत के हार ओए बहुविद कहो पुकार पुकार बहुविद कहो कबीर जी कहते पुकार पुकार के कह रहे हैं बाजी हार के ना जाई पुत्रा सिर नीमा ना करके जाई खेड़े मत्थे नाल जाई बावा लुड़ांदा होया जाई हाँ जी बहुविद कहो पुकार पुकार नानक कहते मिलन की बरिया नानक कहते मिलन की बरिया सारी संगत बोलो नानक पंद्रह का मिनट है जी अपने नौ दस ते बैठे थी घंटे समाप्ति करनी है दो काम करने हैं एक मेरे चेते जेकर आ गया वो सुनना मन नु पता लगे अमृत की दात हैगी केड़ी वड्डी है दूजा काम मेरा मन है आज पता की करी है भाई गुरदास जी ने ना एक जुगती दिती है कहंदे उस जुगती नाल जदों कोई अरदास करदा है निरंकार नूं दरगाही फौजां भेजनियां पै जांदियां पूरी करन वास्ते तुसीं सारिआं ने सुणी होई है सुख राजे हर चंद कर नाल सतारा लोचन राणी इह वार है ना भाई गुरदास जी दी तारा राणी सी जिहड़ी अमृत वेले जांदी सी भजन करन ते इक दिन राजे ने खड़ां चुक लई सी कि जांदी ते चलो चंगी जगह दे पर मैनूं दस के क्यों नहीं जांदी अज जदों घर आएगी ते इहनूं पुछांगा खड़ां किहड़े यार नूं दे आई है हीरे जड़ी खड़ा सी भाई गुरदास जी ने लिखिया कहंदे फिर संगत ने आराधना की पता किवें साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ा पुराणी साध संगत विडो कुरबाणी भाई गुरदास जी कहंदे जदों संगत रल के आराधना करती है परमेश्वर नूं विधा बनानियां पै जांदियां पूरी करन दी गुरमुख कहंदे सन शराबी का परिवार वधे उन्हू खुशी होंदी है जुआरी का परिवार वधे उन्हू खुशी होंदी है तुहाडे जो कोई प्रेम मल्ला बैठा है गुरु गोबिंद सिंह का परिवार वधे उन्हू भी हिरदे जो खुशी होंदी है पर की करिए जोर नहीं लगता पिया अज सारी संगत अखीर के पांच सत्त मिनट बिरतियां नू बाहरों तोड़ के अंदर ले जाके आराधना करनी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी साडा बल मुक गया कीर्तन कर लांगे कथा सुना लांगे पर जद तक नजर तेरी नहीं वरतनी तद तक खेड बन ही नहीं सकनी क्योंकि हुण ओह खेडा नहीं रही संत अत्तर सिंह जी वालियां हुण ओह खेडा नहीं रही बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले वाली जीवन नहीं रह रहे संत सुजान सिंह जी कहंदे सन कि गुरु नानक ने बाणी दे तीर मारे विण के रख दिता सज्जन ठग नूं जिहड़ा बाणा पा के ते ठगियां मारदा सी संत बना दिता ओए ओ कोटा राक्षस जिहड़ा मनुखां नूं तल के खांदा सी उहनूं संत बना दिता कहंदे सन तीर ते बाणी दे अज वी मौजूद ने कमाई दी बाण खतम हो गई है पर जदों संगत रल के आराधना करेगी गुरु गोबिंद सिंह जी पुकार सुणनगे 1987 दा वचन है जी मैं कोई इतिहासिक गल्लां नहीं सुना रहा अज दी सुना रहा कि अज भी उहदी रहमतां वरतदियां ने
श्रोमणी कमेटी ने एक छोटी जी किताब छापी सी, जिस किताब का नाम से संत ना वाहिगुरु नाम ना विसरे संत प्रसाद। मेरे को पई है किसी लैनी हो जमना पर आके लै लो। एक जिक्र है जी, कहिंदे श्रोमणी कमेटी के एक रागी होए ने, पहले ननकाणा साहब कीर्तन करते सी 47 तो पहले, फिर इधर आ गए तो दरबार साहब कीर्तनी लग गए। ना सी भाई गुरनाम सिंह, कहिंदे इन्हां दी ड्यूटी लगी गुरु अर्जन देव जी के गुरपुरब से मध्य प्रदेश जाके कीर्तन करन। दीवान सजे कहिंदे उत्थे उस पिंड की रहन वाली जिसका ना उस किताब च आया माता धन्ना देवी, रंग लग गया सी पंडतैन पुन कट्ठे होए हुए सी, सच्चे गुरु का मिलाप हो गया। आखो सतनाम श्री, कल भी बेनती की 14 कला वाला होया 16 कला वाला होया पर सर्व कला वाला एक ही होया जे। पर एक गल चेते रखनी है सीखने, सत्कार 16 कला वाले का भी करना है, 14 कला वाले का भी करना है। हमें हमारा खूह तुम्हें तुम्हारा खूह, निंदा किसे दी नहीं करनी। जो जिन्हों पूज रहा सत्कार योग है, तू अपने गुरु नूं वड्डा करके सलाह, सतगुर वड्डा कर सलाह ही है जिस विच वड्डियां वड्डियां आईयां। रंग लग गया, कहिंदे जिस दिन वो कीर्तनियां ने लिखे है भाई गुरनाम सिंह ने, कहिंदे जिस दिन साडा उस पिंड विच अखीरला दिन सी ना समागम दा, जो माता साडे चरणा दे कोल आके बह गई ते कहिंदी भाई साहब जी अज तुसीं वापस चले जाणा है, जाण तो पहले मेरे घर कीर्तन करके जाओ। मैनू समझ तो नहीं आया तुसी पढ़ते की सी, पर जिहड़ी शांति जिहड़ी रस जिहड़ी एकमिकता मैनू मिली है, मैनू अज तक अपने गुरमंत्र नाल नहीं मिली। मेरे घर कीर्तन करके जाओ। प्रेम देखिया रागी सिंघां ने उहदे घर चले गए, कहिंदे जाके साडे थोड़ा मन च आया, सामने पईआं सी मूर्तियां, हुण इत्थे कीर्तन किवें करिए। पर कहिंदे एक पासे प्रेम सी, जिथे प्रेम आ जाए उत्थे शरा नहीं चलदी। आखो सतनाम। उत्थे कई वारी गुरु हर राय साहब सोचदा प्रशादा छकण वाले, एक माई ताबो बाहर खड़ी सी अरदासा करती सी, महाराज मेरी गरीबणी दा मिस्सा प्रशादा छकोगे? महाराज घोड़े ते बैठे आए, कहिंदे माई भुख बड़ी लगी है प्रशादा छका दे। सिंह कहिंदे महाराज सुच्चा रहीगा ना, इन्हें हद सुच्चे करके बनाया ना तुसीं हद सुच्चे? कहिंदे महाराज कहिंदे प्रेम विच पुकार रही है, प्रेम दे अगे शरा नहीं रहिंदी। कहिंदे असीं उहदे घर कीर्तन कीता, कहिंदे जो कीर्तन करके भोग पाया ना तो कहिंदी माता इन्नी भोली सी, कहिंदी भाई साहब जी जेड़ा मंत्र तुसी आराध दे हो ना मैनू भी मंत्र सिखा के जाओ। कहिंदे असी उन्हूं कहा कि बीबी साडे सिखी सिखी धर्म विच साडे पंथ विच गुरमंत्र मूल मंत्र देण दी जिहड़ी छूट है ना वह पंज प्यारिआं नूं है, मर्यादा है साडी, पंज प्यारिआं तों इलावा नहीं कोई मंत्र दे सकदा। ते माई कहिंदे उहदा प्रेम एडा सी, उह खेड़े पै गई, कहिंदे असीं उहनूं कहा चल ठीक है तूं एक ओंकार तों नानक असीं वी सजदे तक मूल मंत्र दा जाप करदी रहा था। कहिंदे असीं निकलण लगे, उहने फिर साडा कुड़ता फड़ लिया, कहिंदी भाई साहब जी मैं ना माला ते मंत्र जपदी आं, तुहाडे वाले मंत्र दीआं किन्नीआं माला जपां? कहिंदे असीं खेड़ा छुड़ाना सी, असीं कहा माई 10 माला जप लिया कर। आखो सतनाम श्री। कहिंदे असीं इह कह के वापस आ गए, पिछे की होया सानूं नहीं पता। कहिंदे गुरु रामदास ने कृपा की, 4-4.5 साल बाद सानू फिर उस पिंड च कीर्तन करन जाण दा मौका मिलिया। वो भाई गुरनाम सिंह जी कहिंदे मैनू याद सी माई प्रेम वाली, कहिंदे मैं जाके कीर्तन पहले दिन दे दीवान तो बाद ही प्रबंधकां नू कहा वो माता धन्ना देवी कित्थे आ, संगत नहीं नजर आई। कहिंदे प्रबंधक कहिंदे कि तुहाडे कीर्तन करन जाण तो बाद जदों पिछली वारी आए सी उहदे नाल जो बीती आओ तुहानू अक्खी दिखा के लिआ मिलिया। कहिंदे असीं उस माई दे घर वल गए, सानू गलियां याद सी भीड़ियां भीड़ियां, प्रबंधक साडे नाल। कहिंदे जदों असीं उस माई दे बूहे ते जाके खड़ोते ना, कहिंदे उस माई दी पोतरी ने जोर जोर दी चीकां मारनी शुरू कर दित्तियां, दादी तेरे गुरु आ गए, दादी तेरे गुरु आ गए। क्योंकि उन्हां दे धर्म च जिहड़ा कोई इस तरह गुरमंत्र दवे उहनूं गुरु कहिंदे आ। कहिंदे कहिंदे उहने चीकां मारनी शुरू कर दित्तियां, कहिंदे असीं जदों वेहड़े च वड़े सामने तुलसी दा बूटा, पर कहिंदे एक चीज नवी देखण नूं मिली, उत्थे हुण देवी देवतियां दी मूर्तियां नहीं पईआं सी। कहिंदे असीं
आला दुआला देखिया पोतरी चीकी जा रही है, माई तेरे गुरु आ गए जेड़े तेन मंत्र दे के गए सी, कहंदे वेख के साडियां अखां डुल डुल वह पईआं, पौड़ियां तो बजुर्ग माता उतर रही सी, चश्मा लाया होया सी। एक जकारा देना सुन के भाई गुरनाम सिंह जी ने लिखिया, कहंदे जदों पौड़ियां तो उतर रही सी असीं वेख के हैरान हो गए, उह पंडतैन जिहनूं गुरबाणी का बोध नहीं सी, असीं सहज सुभाए कह गए सी मूल मंत्र जप लिया कर, अज साढ़े चार साल बाद जब दोबारा आए तो उहदे पिंडे दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह दा गात्रा सजा सी, दिओ इक जकारा। कहते माई थले उतरी आपस मिलनी हुई फतेह बुलाई, कहते उन्हें प्रेम चरणी हाथ लाते सीगे, माई नहीं हुण तू तुहाडी साडी धर्म की मां बन गई है, पुत्र पुत्र मां दे पैरी हाथ लाण सोवदा मावां नहीं सोवदियां। कहंदी भाई साहब जी नहीं ये लीला सब तुसी वरता के गए हो, गुरु के कीर्तनी है। कहंदे माई की बीतिया जी तेरे नाल, कहंदे भाई साहब जी जेड़ा मेरा गुरमंत्र सी मैं वह भी आराधनी सी, जेड़ा तुहाडा मंत्र तुसी मैनू दे गए सी मूल मंत्र मैं वह भी आराधनी सी, पर तुहाडे मूल मंत्र दी ऐसी कृपा वरती कि कुछ दिनों बाद मैनू वह मूल मंत्र कंधा ते भी लिखिया नजर आन लग गया। कहंदी एक दिन मैं राती सुती ते सुत्या सोई गई, आखो सतनाम श्री ए बोल लिखे जी किताब। कहंदी भाई साहब पांच मिनट रह गए सुनियो ध्यान नाल, कहंदे भाई साहब मैं एक दिन राती सुती ते सुत्या ही रह गई, मतलब कि मैनू ए प्रतीत होया कि मेरा शरीर इत्थे रह गया, मेरी रूह नू अगे खड़ के लै गए। कहंदे जदों उत्थे लै के गए ते मैनू उन्हां ने भाई साहब जी विष्णु मंडल दे बाहर ले जाके बिठा दिता। भाई गुरदास जी की बाणी जे वर्णन ने, मंडल ने पुरियां ने शिवपुरी विष्णुपुरी ब्रह्मपुरी, पर सिख का मार्ग सीधा हैगा जे सचखंड वसे निरंकार, रहत दा धारनी होवे गुरमंत्र दृढ़ करे कोई रोक टोक ही नहीं है रस्ते। चलो मैं गल समाप्ति करा। कहंदे भाई साहब जी जदों उन्होंने मैनू उत्थे ले जाके बिठाता ते मैं उन्होंने बेनती की कि ए कित्थे लै आए हो, मैनू जे ले जाना ही जे ते उत्थे लै के जाओ जिथे गुरु नानक की गुरबाणी का कीर्तन हुंदा होवे, मेरा इत्थे दिल नहीं लगता पिया। कहिंदे ओह दूत कहिंदा कि माई ओह ते सचखंड दरबार है, ओहदे च असीं ते नहीं तैनू वाड़ सकदे, तैनू उत्थे तक छड्ड आने आ। कहिंदे ओह मैनू एक दरबार च लै गए, एक वड्डा सारा दरबार सी, देव रूहां बैठियां सी, कीर्तन चल रहा सी, ते प्रकाश ही प्रकाश वैलिया होया सी, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह ने कहा ना अनपहो प्रकाश, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई साहब जी मैं जदों उत्थे बह गई कीर्तन चलता रहा, मेरी सुरत जुड़ गई, तो दो बरछे वाले निहंग सिंह आए तो मैनू कहंदे ओ माई तू इत्थे की कर रही है, इत्थे तो सिर्फ अमृतधारी सिंह सिंगड़ियां आ सकते ने। वो माई कहंदी कि मैं हैरान हो गई कि हुण मैनू इत्थों बाहर कढ़ देणगे, मेरा मन उदास हो गया, पर कहंदी भाई साहब जी उस प्रकाश दे विच्चों आवाज आई कि इन्हें मूल मंत्र नू बहुत आराध्या है, मूल मंत्र इहदे रोम रोम दे अंदर वस गया है, इहनू दरगाह तो तीन साल की उम्र होर दे रहे हैं, जा धरती ते अमृत छक के हुण गुरु वाली बन के मूल मंत्र की आराधना कर, ते तीन साल बाद दोबारा साडे च भेद होण वास्ते आ जाई। कहंदी भाई साहब जी सवा दो साल बीत गए ने, नौ महीने रह गए ने, नौ महीने बाद मैं उस अनुभव प्रकाश अभेद होने चले जाना, जदों मैं मरांगी तुसी मेरे भोग ते कीर्तन जरूर करना। उस जिक्र च लिखिया श्रोमणी कमेटी ने किताब छापी है, कहंदे नौ महीने बाद असी उत्थे दे प्रबंधकां नूं चिट्ठी लिखी कि माता दा की बनिया, कहंदे भाई साहब जी जिस दिन नूं उन्ने मुकर्र कीता सी ना कि मैं दरगाह नूं चले जाना है, उस दिन वो माता जिहड़ी धन्ना देई तो धन कौर बन गई सी चोला छड़ गई है, जे आ सको ते आके उहदी याद विच कीर्तन जरूर करियो, आखो सतनाम श्री। ऐसा गुरु है साडा, कई कहंदे आ ना मैं जी पाठ बहुत करदी आ, एक अमृत ही ते नहीं छकिया, पाठ करदी है अमृत नहीं छकिया, प्राप्ति तां भी नहीं होनी, दुनियावी सुख मिल जाणगे पर जिहड़ी आवागमन तों मिटण वास्ते गुरु धारना ही पवेगा, गज के कह दिओ सतनाम। नहीं तो वह सतगुर जेड़ा कहता है मंदा किसे ना आखिए, कहता ना किसे नु बुरा ना आख, वही सतगुर कहता है सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, जिन्हें अमृत नहीं छकिया निगोरे का है ना बुरा, इस नानक कह है नानक कहत बरिया। संगत बोले सारे
जिन्ना ने अमृत नहीं छकिया अज ना लिखा के जायो। उन्हें दे आराधना की मौका मिल गया, पता नहीं सानू मिले ना मिले। आओ केवल पांच मिनट, केवल पांच मिनट होने। जिमें भाई गुरदास जी ने समझाया है ना, साध संगत आराध्या, आओ पांच को मिनट ओवे आराधना। अखा सारे बंद कर लो, सारे मन के फुरने खत्म कर दियो, तो एको फुरना रखना है। जे अमृत छकिया होया तो गरीब नवाज सानू रहत दृढ़ करा दे, जे नहीं छकिया तो गरीब नवाज ये दात साड़ी भी चोली पा दे। आओ जी करो कृपा सारे, सारी संगत नेत्र बंद करो, नेत्र कोई ना खोले, अरदास करो महाराज, बेनतियां कबूल कर लेनी। गज के अखां दे सामने ओ बैठा है जिन्हों अरदास करनी है। मंगना पता की है, महाराज सानू सारिआं नू मेल लै। सारे संगत गज के साध संगत आराधे, साज बंद कर रहे हैं, तुहाडी आवाज सुननी है, तुहाडी अरदास सुननी है। किन्ना प्यार है सिखी नाल, चाहते हो ना गुरु गोबिंद सिंह की फुलवाड़ी वधे, ते गज गज के जपो, तुहाडे जपे नाल ही लोकां दे मन बदलने है। इंज आवाज दियो जिवें पुकार करनी है, पिता जी कर दियो ना कृपा। जो बोल रहे हो ओनू सुनो, फिर अरदास पहुंचेगी। ढिले पै गए प्यार जे गुरु गोबिंद सिंह नाल, ते फिर पाओ गूंजा। नेत्र बंद, ध्यान धुन विच, साध संगत आराध्या, अरादो सारे ओदा प्यार लैण लई, अरादो अपने भैणा भरावां वास्ते, अरादो जिन्हां ने नहीं पौल लिती ओह पौल लै लैण। संगत दी आवाज आवे, शाबाश। जिन्ना गज के जप रहे हो गुरु गोबिंद सिंह जी की खुशी मिल रही है कि मेरे पंथ की फिक्र कर रहे है। नेत्र बंद, ध्यान चल रहा है, वाहे गुरु। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा,
ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀ ਸਰਬ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਰੀਆ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਰੀਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੈ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਆਇਆ